पोस्टमैन मनीराम के पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। वह हर शाम को अपने स्टोर रूम में जाकर के पुराने खतों को पढ़ते थे। ये वे खत थे जो मनीराम ने लोगों को उनके पते पर नहीं पहुंचाए थे। इन खतों में प्रेमालाप को पढ़ना उनका शगल रहा। उन्होंने इन खतों को कभी उनके पते पर डिलीवर नहीं किया, लेकिन आज पता नहीं क्यों मन के किसी कोने में आत्मग्लानी का भाव पैदा हुआ। मनीराम ने खत अपने पड़ोसी भुवन के नाम लिखकर बक्से को ताला लगा दिया और चाबी एक टेबल पर रखकर सो गए। अचानक आज हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। उनका कोई भी नहीं था। भुवन ने पड़ोसियों के साथ मिलकर उनकी अंत्येष्टि कर दी। मनीराम जीवित थे तो उनसे मिलने कभी कोई आया नहीं। मैं उनके पड़ोस में रहता हूं। मनीराम से निकलते बढ़ते बात हो जाती थी। कुछ जरूरत होने पर उनकी मदद कर देता था। बस इतना ही परिचय था मनीराम और मेरा। ज्यादा नहीं जानता था उनके बारे में। अंतिम संस्कार करके जब लौटा तो घर को बंद करने से पहले वह मनीराम के स्टोर रूम में गया। वहां एक पुराना बक्सा रखा था। इसमें क्या रखा है, जानने की ललक जाग उठी और उसने ताला तोड़ा। बक्से में बहुत से खत थे जो मनीराम ने अपने कार्यकाल में बांटे नहीं थे। इन्हीं खतों में एक खत उसके नाम का था। वो एक ही सांस में पढ़ गया। उसमें लिखा था, मेरा जो कुछ भी है वो भुवन का है, लेकिन एक प्रार्थना थी, मुझे शायद कोई माफ न करे पर यह खत पोस्ट कर देना, मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। भुवन का मुंह खुला का खुला रह गया। उस बक्से में विभिन्न प्रकार के पत्र थे। कुछ खत खुशबू से तरबतर प्रेमिकाओं के खत थे। कुछ खत पत्नियों के थे, अपने पतियों को लिखे गए थे। कुछ पोस्टकार्ड से और कुछ खुले हुए अंतर्देशीय मिले। इतने सालों पुराने खतों को देखकर उसके मन में एक ये विचार उत्पन्न हुआ कि जिनके ये खत हैं उनके पास पहुंचना चाहिए। न जाने मनीराम ने अपने जीवन के खालीपन को भरने के चक्कर में कितनों के जीवन को खालीपन से भर दिया होगा। इन संदेशों के न पहुंचने से कितनों के घर जुड़े होंगे, कितनों के वादे टूटे होंगे। भुवन ने सारे खत उठाकर पोस्ट कर दिए। सारे खतों पर अपना मोबाइल नंबर वो मेल लिख दिया। खत पोस्ट करके उसका मन हल्का हो गया। शायद कोई जवाब दे तो मनीराम की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, आप सुन रहे थे अरविना गहलोत जी की लिखी लघु कथा लिखे जो खत तुझे। पहला निवेदन तो मैं यही करना चाहूंगा कि वो पोस्टमैन जिसके प्रति हमने हमेशा ही सम्मान रखा है, क्योंकि भरी दोपहरी में भी उन्होंने हमारी डाक हमारे घर तक पहुंचाई है, उस पोस्ट और उस पोस्टमैन के प्रति हमारा सम्मान कम ना हो।
दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि जीवन में जब खालीपन आता है, अपनापन और प्रेम से रिक्त हो जाता है जीवन, तब सत्यनिष्ठता या इंटीग्रिटी इसका निभाना भी कितना मुश्किल हो जाता है। यूं तो कहानी अपने आप में संपूर्ण है, मगर फिर भी एक छिपा हुआ भाव जो मुझे इसमें दिखाई देता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो यही है कि हो सकता है कि इंसानों से हमारे रिश्ते खत्म हो जाएं, बिना रिश्तों के, बिना अपनेपन के, बिना प्रेम के हम इंसान रह नहीं सकते, क्योंकि इंसानी जीवन दो सत्ताओं से मिलकर के बना है। एक है भौतिक सत्ता, यानी पांच तत्वों से बना हुआ यह शरीर, और दूसरा इस भौतिक सत्ता को चलाने वाली आत्मा, जिसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति चाहिए ही चाहिए। इसीलिए वो हर प्रार्थना और हर आरती में, इबादत के किसी भी तरीके में ऊपर वाले से यही सब तत्व मांगती है। तो हो सकता है कि इंसानों से रिश्ते हमारे खत्म हो जाएं, मगर उस परमात्मा से, जिससे आत्मा का अटूट नाता है, वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। और उसके लिए तो हम कहते ही आए ना, तुमेव माताश्च पिताश्च त्वमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। और बनाने वालों ने तो उसे साजन और दिलरुबा तक बनाया है। रिश्ता निभाने भर की देर है, मानने भर की देर है। हम दुनिया भर में प्यार और अपनापन ढूंढते फिरते हैं, मगर जिसने हमें बनाया है उससे हम संबंध निभाने का संकल्प तक नहीं करते, विचार तक नहीं करते। और इसी एक भूल के कारण आज 730 करोड़ लगभग आबादी है विश्व की, मगर फिर भी लोगों को अकेलापन खाया जा रहा है। भीड़ में भी अकेले घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्योंकि मांग रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, दे इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि दाता से रिश्ता जोड़ नहीं पा रहे। जो दाता से लेंगे तभी तो देंगे। एक खाली ग्लास भला दूसरे खाली ग्लास को क्या देगा? और आलम यही है कि आज खाली ग्लास एक दूसरे से डिमांड कर रहे हैं। उम्मीद है आप इस भाव को समझ पा रहे होंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी, जरूर बताइएगा लाइक बटन दबा करके, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि खालीपन होने पर कर्तव्य परायणता से, सत्यनिष्ठता से मुख न मुड़े किसी का भी। और कोई गीत इस कहानी पर सूट करता हो आपके मुताबिक तो जरूर सजेस्ट कीजिएगा। अगले पड़ाव पर नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।